स्टारलिंक एक उपग्रह तारामंडल परियोजना है जिसे इलन मस्क और स्पेसएक्स द्वारा विकसित किया जा रहा है ताकि दुनिया के किसी भी हिस्से से लोग इंटरनेट का उपयोग कर सकें। योजना में पृथ्वी के चक्र में हजारों छोटे सैटेलाइट भेजना है जो पृथ्वी पर रखे उपकरणों के साथ काम करेंगे, जिसे सैटेलाइट डिश कहा जाता है। आप इन उपकरणों का उपयोग सीधे अपने आईफोन और अन्य डिवाइसों से कनेक्ट करने के लिए करेंगे। इलन मस्क इसके बारे में एक भव्य विचार के रूप में बोलते हैं जो हमारे देखने और हमारे आसपास की दुनिया तक पहुंचने के तरीके को बदल सकता है। आजकल हम इंटरनेट से कैसे जुड़ते हैं उसके आदिम हैं। हालांकि स्टारलिंक शायद इसे बदल सकता है बड़े पैमाने पर। महामारी ने हमें दिखाया है कि हम इंटरनेट पर कितना भरोसा करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए और हमसे दूर के लोगों से संचार करने के लिए ये कितना आवश्यक है। तो मुझे ये बताने की अनुमति दें कि स्टारलिंक या इलन मस्क की परियोजना जो एक रॉकेट जहाज की तरह स्टारडम तक बढ़ सकता है और दुनिया पर कब्जा कर सकता है और भविष्य के उद्योग को बाधित कर सकता है। वैसे रॉकेट की गति से स्टारलिंक की प्रगति हो रही है। अप्रैल में स्पेसएक्स ने 60 उपग्रह को लॉन्च किया था। यह सातवां ग्रुप था और इसने उपग्रह की पूर्ण संख्या अब 422 के घेरे में ला दी है और लंबे समय में वे 40,000 से ऊपर भी जा सकते हैं। इलन मस्क ने कहा है कि स्टारलिंक 400 उपग्रहों के साथ वेब उपलब्धता को चालू कर सकते हैं, फिर भी किसी भी घटना में 800 तक समावेश पर पहुंचने की उम्मीद होगी। अधिक उपग्रह रिलीज बुक किए गए हैं और कंपनी इस वर्ष के रूप में सही समय पर शुरू कर सकती है। स्टारलिंक के लिए अंतरिक्ष में अपनी नींव बनाने के लिए इसे बुनियादी ढांचे की जरूरत है। स्टारलिंक की मुख्य रीढ़ उसकी सैटेलाइट्स हैं और वे वायरलेस कनेक्शन के लिए सोर्सेस के रूप में कार्य करेंगे ताकि ब्रॉडबैंड इंटरनेट का उपयोग सीधे पृथ्वी पर कर सकें। सतह से यह एक और साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगता है, लेकिन जो इलन मस्क करते हैं वे कल्पना को वास्तविक में बदल देते हैं। उनकी कथित साझेदारी में से एक हाई एंड सैटेलाइट वीडियो कम्युनिकेशन कंपनी है जो फ्लोरिडा में है, जिसका नाम विसलिंक है। अनुसंधान के आधार पर कंपनी ऐसी टेक्निक प्रदान करती है जिसकी स्टारलिंक को आवश्यकता हो सकती है। फिलहाल अभी कुछ भी पक्का नहीं है। स्पेसएक्स को 12,000 सैटेलाइट्स को लो ऑर्बिट में उड़ाने की अनुमति है और मस्क भविष्य में 30,000 से अधिक उड़ाने की उम्मीद करते हैं। स्टारलिंक की योजना हमारी आंखों के सामने हो रही है और हम मानव जाति के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण घटना देख रहे हैं। स्टारलिंक एक गेम चेंजर है और कुछ लोग अभी इसे नहीं जानते हैं। स्टारलिंक का मुख्य लाभ यह है कि हम दुनिया में जहाँ भी होंगे वहाँ से इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएंगे। कल्पना कीजिए कि फिलीपींस में एक समुद्र तट पर हो और वहाँ 233 Mbps का इंटरनेट कनेक्शन हो, या आप युगांडा में हो और आप अपने पसंदीदा नेटफ्लिक्स शो को बिना किसी रुकावट के देख रहे हो। कितना अद्भुत होगा ये। तीसरी दुनिया के देश जहाँ इंटरनेट संचार अस्थिर और अविश्वसनीय पाया जाता है, वे स्टारलिंक के स्पष्ट लाभार्थी होंगे। संभावना के बारे में सोचो। अगर ऐसा होता है तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को जोखिम होगा। शुरुआत में मस्क ने कहा है कि स्टारलिंक का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र तक इंटरनेट पहुंचाना है। हालांकि एक बार जब ये ग्रामीण बाजार में बच जाए और हावी हो जाए तो ये शहरी बाजार पर विचार कर सकता है, और क्यों ना करे। हर उद्योग जो इलन मस्क छूते हैं उस पर कब्जा कर लेते हैं, जैसे टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार बाजार में किया और बोरिंग कंपनी ने टनल रियल स्टेट में किया। स्पेसएक्स ने पहले से ही अंतरिक्ष यात्रा और सस्ते रॉकेट लॉन्च किए हैं। अब स्टारलिंक इसे टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि मस्क की सभी कंपनीज एक उद्देश्य को संभालने के लिए आए हैं। स्टारलिंक टेलीकम्युनिकेशन को खत्म कर सकता है, लेकिन पूरी इंडस्ट्री दाव पे है, इसलिए शायद यही नवाचार की कीमत है। मस्क की कंपनीज ने ऐतिहासिक रूप से फेडरल फंडिंग पर भरोसा किया है। अब ये कहना आसान होगा कि अमेरिका की सरकार ने पहले ही कई मौकों पर मस्क की कंपनीज को बचाया है। टेक क्रंच के अनुसार हाल ही में समाचार पर बताया है कि स्पेसएक्स एक नए $16 बिलियन के फेडरल फंडिंग के लिए क्वालिफाई हो सकती है अगर स्टारलिंक लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड नेटवर्क सिस्टम को साबित कर सकती है तो।